हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वेज हॉट डॉग, जिसमें है ढेर सारी वेजेस जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू ले लिए हैं मैंने, यहाँ पे 5 मीडियम साइज के हैं। साथ में कुछ सब्जियां हैं, आप देख सकते हैं। एक शिमला मिर्च ली है मैंने, एक गाजर, 2 प्याज मीडियम साइज के, 2 टमाटर, अदरक का एक टुकड़ा और मुट्ठी भर मैंने बीन्स ली है। तो सबसे पहले हम आलू को बॉईल करने के लिए रख देते हैं और जो हमारी सब्जियां हैं इन्हें हम बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को हम बारीक काटेंगे लेकिन इसके बीज हम निकाल लेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम आलू बॉईल करने के लिए रख देते हैं। पानी हमने ऐड कर दिया इसमें और इसे हम कर लेते हैं बंद। सभी वेजिटेबल्स हमने काट ली हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं हॉट डॉग के लिए। उसके लिए इंग्रेडिएंट मायोनीज मैंने ली है, कैबेज, पत्ता गोभी थोड़ी सी, 1 बड़ा चम्मच हम यूज करने वाले हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ऑरिगेनो है यहाँ पे 1 टीस्पून, शिमला मिर्च हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच, प्याज भी हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कटोरी ले लेती हूँ, इसमें हम ऐड करेंगे मायोनीज 3 से 4 बड़े चम्मच या जितना भी आप बना रहे हैं हॉट डॉग उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर लेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। नमक हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे टेस्ट के लिए। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसे हम रख देंगे फ्रिज में जब तक हम बाकी की तैयारी कर रहे हैं। इसे मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मायोनीज को हमने रख दिया है फ्रिज में और अब हम हॉट डॉग के लिए जो रोल्स बनाने वाले हैं वो हम रेडी कर लेंगे। तो जो आलू हमने बॉईल किए थे वो बॉईल हो गए हैं और उन्हें मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है और बाकी के इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। सारी सब्जियाँ हमने काट ली हैं, अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया है यहाँ पे। इसके अलावा कोरिएंडर लीव्स लिए हैं मैंने, हरा धनिया लिया है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है, ऑरेगेनो, गाजर, प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर, बीन्स इन्हें बारीक काट लिया है, साथ में एक नींबू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई यहाँ पे ले ली, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल 2 बड़े चम्मच जितना, इसे हल्का सा गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जिसे मैंने पीस लिया है। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे। से 20 सेकंड इसे भून लिया है मैंने,
अब इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन, और ऑनियन को हम भून लेंगे, लेकिन इन्हें पकाना नहीं है पूरी तरह से, ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज होने लगे इनका बस तब तक हम इसे पकाएंगे। प्याज जो है वो आप देख सकते हैं हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो अभी मैं इसमें जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च सबसे पहले, गाजर, और बीन्स। इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर करके पका लेंगे। इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ मैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर लिया हमने इसे, और अब मैं इसे कर देती हूँ कवर। और सब्जियां हमारी हल्की सी पक जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मैंने इन्हें पका लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, टमाटर के बीज हमने निकाल लिए थे। इसे टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ में रेड चिल्ली पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे दोबारा से कवर करके हम 2 मिनट और पका लेंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इसपे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया, ऑरेगानो 1 टेबलस्पून, आधा नींबू का रस, और जो आलू हमने मैश कर रखे थे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबको। और जो आलू हमने मैश किए हुए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और सब्जियों के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब्जियों के साथ हमारे आलू जो है वो मिक्स हो जाए। मसाला हमारा बनकर तैयार है, तो अब गैस की फ्लेम हम कर देते हैं बंद। और इस मसाले को हम ठंडा होने देंगे, हल्का सा गर्म रहे, उसके बाद हम इसकी रोल्स जो है वो हॉट डॉग के लिए तैयार करेंगे। चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है और अब हम इसके बना लेंगे रोल्स अपने हॉट डॉग के लिए। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट मैंने ले लिए हैं, आप देख सकते हैं
एक कटोरी में मैंने ऑयल लिया है, मोजरेला चीज में यूज कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को मैंने मिक्सर में चला लिया था और उसका इस तरह से चूरा बना लिया है। चलिए रोल्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तवा मैं ले लूंगी और इसे स्लो हीट पे रखेंगे हम। इस पे मैं डाल दूंगी ऑयल। इसे हर तरफ फैला लेंगे और जब तक हमारा तवा जो है वो गर्म हो रहा है तब तक हम रोल बना लेंगे। सबसे पहले मैं अपने हाथ पे ऑयल लगा लूंगी इस तरह से। देन यहां से जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो हम लेंगे, बड़ा सा पेड़ा मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसे मैं अपने हाथों पे इस तरह से फैला लूंगी। देख सकते हैं इसके बीच में हम रखेंगे चीज। चीज ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेड का चूरा जो हमने बनाया था वो हम ऐड कर लेंगे। हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ से बंद कर लेंगे। और हल्के हाथों से इसे दबाएंगे, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है अदरवाइज जो चीज है वो बाहर आ जाएगी। हमारा रोल जो है वो तैयार है, इसे हम तवे पे डाल लेंगे जो हमने गरम होने के लिए रखा है। चलिए इसे हम और दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के रोल्स भी तैयार कर लेंगे। मैं ऑयल लगा लूंगी हाथों पे और सेम प्रोसेस आलू का जो हमने तैयार किया है उसका बड़ा सा पेड़ा लेंगे। और इसके बीच में हम रखेंगे तरह से बंद कर देंगे। इसे भी हम हल्के हाथों से दबा लेंगे और फैला लेंगे। तो इस पे कोटिंग की है मैंने थोड़ी सी, जो हमारे पास ब्रेड का पाउडर बनाया है वो, और इसे भी हम डाल देंगे और बाकी की टिक्कियां भी हम इसी तरह से बना लेंगे। Thank you.
तैयार है। अब देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है और इन्हें हम अब निकाल लेंगे और बाकी के रोल्स भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो सारी टिकिया हमने बना ली है, ये सबसे लास्ट, और इसे भी मैंने जो हमारा ब्रेड का चूरा है उससे अच्छे से कोटिंग कर ली है और इसे मैं डाल देती हूँ तवे पे और इसे भी हम सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से और हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार है। और फिर हम बनाएंगे हॉट डॉग। तो रोल्स हमारे बन गए हैं, टिक्कियाँ बनकर तैयार है, बन ले लिए हैं मैंने यहाँ पे हॉट डॉग बन ले लिए हैं, इन्हें हम रेडी कर लेते हैं। तो इसे हम बीच से इस तरह से काट लेंगे। और इसमें हम अप्लाई करेंगे बटर। इसे हम सेक लेंगे, बाकी के बन भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसे भी हम बीच से कट कर लेंगे और इसमें बटर लगा के इन्हें भी हम सेक लेंगे। जल्दी जल्दी से इन्हें रेडी कर लेते हैं। बटर और इसे भी मैं रख दूंगी सेकने के लिए। दोनों बन जो है वो हो गए हैं। लास्ट हमारे पास है उसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो बन हमारे रेडी हैं। अब जो स्प्रेड हमने बनाई थी वो हम इस पे लगा लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से और इसके बीच में हम रख देंगे जो हमने टिक्की बनाई है वो। और इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। और इसे गार्निश करेंगे हम सॉस के साथ। और इसी तरह से सारे हॉट डॉग हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए हॉट डॉग बनकर तैयार है, इसे हम गार्निश कर लेंगे।
चलिए, हॉट डॉग हमारे बनकर तैयार हैं। गर्मा गर्म इन्हें सर्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।